चुनावी मौसम में पार्टियां प्रचार में जुटी हैं, इस पर कांग्रेस नेता कमलनाथ से बातचीत की हमारी संवाददाता मुक्ता पाठक ने। चुनावी मौसम है और चुनावी सफर के अभी इस वक्त हमारा पड़ाव है छिंदवाड़ा, जहां पे हम कमलनाथ जी के साथ में हैं, उनके बंगले में हैं, इनफैक्ट हम उनके गार्डन में बैठे हुए हैं उनके साथ। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं इस वक्त का क्या चुनावी माहौल है। सर, वेलकम टू जिया न्यूज़। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जो हम छिंदवाड़ा में आए तो एक अमेज्ड है, जिस तरह से एक लग रहा है मुझे जो पिछले 5 सालों में एक मतलब एक कायाकल्प हो गया है छिंदवाड़ा का, जिस तरह से जो डेवलपमेंट है, चाहे वो मैंने जो नोटिस किया, सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन हैं, 4 केंद्रीय विद्यालय हैं, NIIT है। फिर एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जब मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से तो वो बता रहे थे, आपके जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो उन्होंने बार बार एक चीज़ को जो हाईलाइट किया, वो कहा कि आपने बच्चों की जो स्किल्ड डेवलपमेंट पे उस पर बड़ा फोकस किया, तो थोड़ा सा ये बताइए जो डेवलपमेंट है। सबसे पहले, यहाँ 4 केंद्रीय विद्यालय नहीं है, यहाँ 6 हैं और उनमें से 2 शिफ्ट चलती हैं, तो इसका मतलब 8 है। और छिंदवाड़ा का विकास सबके सामने है, सच्चाई सबके सामने है। केवल ये बड़ी सड़कें नहीं, पर ग्रामीण सड़कें और ख़ास करके नौजवानों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी 8वीं पास की भी है, 10वीं पास की भी है, 12वीं पास की भी है, NIIT उनके लिए जिन्होंने IT किया हुआ है, तो बहुत सारी ऐसे स्किल्स हैं कि मुझे, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, सबसे बड़ी चुनौती आगे आने वाली पीढ़ी की है। इसीलिए मैंने ये सोचकर प्रयास करके ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स खुलवाए हैं। अगर आपको याद हो 2003 में जब यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो उमा भारती जब वो दौरा शुरू करी थी, उन्होंने छिंदवाड़ा से शुरू किया था और उस समय उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ जी जो हैं वो ये ट्राइबल बेल्ट है, जानबूझ के वोटर्स को ऐसे अंडर डेवलप्ड रखते हैं ताकि उनको पता ही ना चले और वो जो है अपनी राजनीतिक, जो उनका जो विरासत है या जो राजनीतिक करियर है वो आगे बढ़ते रहें, लोगों की एक तरह से अगर मैं कहूँ तो बेवकूफ बना बना के आगे बढ़ते रहे। ये यहाँ के जो आदिवासी हैं वो खुद गवाह हैं और कितना विकास हुआ हमारे आदिवासी क्षेत्र में। उमा भारती जी परिचित नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है, तो समय समय पर शायद ऐसी बातें करते हुए। सर, मैं आपसे यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी जो काफ़ी लोग भी कहते हैं कि जिस तरह से शिवराज सरकार जो तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई, जिस तरह से उनका मीडिया हाइप रहता है, कहा जाता है कि करते कम है, शोर बहुत होता है, मीडिया पूरा जो है कंट्रोल करके रखे हैं और मीडिया में बहुत दिखाते हैं कि हमने काम किया, आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे मात खा गई है? आप लोग अगर डेवलपमेंट की जो बातें हैं वो सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, मैं केवल छिंदवाड़ा की बात नहीं कर रही, मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंट्री की भी बात कर रही हूँ, पूरे देश में क्या लगता है कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं मीडिया को, मीडिया हाइप में या अपने डेवलपमेंट वर्क को सही मायने में लोगों तक नहीं पहुंचा पाई, केवल स्कैम और जो घोटाले और यही सारी बातें जो है वो कांग्रेस के बारे में बाहर आई हैं? BJP कलाकारी की राजनीति में माहिर है और उन्होंने विज्ञापन की जो राजनीति करी है, मैं ये मानता हूँ लोग समझ रहे हैं। ये बात भी सही है कि कांग्रेस अपनी उपलब्धियों को बताने में, पहुँचाने में, लोगों का ध्यान आकर्षित करने में थोड़ी पीछे रही, क्योंकि हमने ये कलाकारी की राजनीति पर भरोसा नहीं रखा है। हम मानते हैं जो हुआ है लोगों के सामने है, पर भारतीय जनता पार्टी की जो ये गुमराह बरगलाने की राजनीति है और हर चीज़ों में, हर चीज़ का विज्ञापन, हर चीज़ में अपनी फ़ोटो छापे, ये तो आम जनता देख रही है और समझ रही है। बट आपको नहीं लगता इसका खामियाजा आपने मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भुगता है? तीसरी बार ऐसा लगता है जैसे सरकार आप लोगों ने परोस के शिवराज जी को दे दी, आप लोगों ने वहाँ के जो घोटाले हैं उनको हाईलाइट नहीं कर पाए। ये हमने देर से शुरू कर, हमारा चुनाव अभियान देर से शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने साल भर पहले शुरू कर दिया था, हमने 2-2.5 महीने पहले शुरू किया, तो ये हमारी कमी रही, हमें बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। और BJP की ये जो राजनीति है कलाकारी की, ये हमें एक्सपोज करनी चाहिए थी, हमें समय नहीं मिला। और अभी आप लगता है, अभी जब लोकसभा है, तो आपको लगता है कि आप लोग जिस तरह से हाईलाइट करना अब कर पा रहे हैं? अगर हम कंपैरिजन करें उसको मोदी का, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने हर जगह ये चीज़ जो है, इट्स ऑलमोस्ट कमिंग ऑन योर फेस, मोदी इज़ लाइक कमिंग ऑन एवरीबडीज फेस। देखिए, ये
देश की जनता समझदार है, मतदाता समझदार है, ये हमें ये मानना है कि आज की नई पीढ़ी को बहुत समझ है, आईटी और कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, और ये ओवरकिल की जो राजनीति है ये सफल नहीं हो पाएगी। आपको लगता है यही ओवरकिल जो था, ये पिछली बार जब अडवाणी अटल जी थे जब उन्होंने कहा था कि फील गुड का जो उन्होंने किया था, डू यू थिंक दैट कैन बी रिपीटेड नाउ? देखिए 2004 में भी इन्होंने विभाग बांट लिए थे, शपथ की डेट तय कर ली थी, 2009 में भी ये सरकार बनाने जा रहे थे, अभी भी अब डिप्टी पीएम डिसाइड हो चुका है। ये सब ये इनके ख्वाब हैं, ये सपने देखते हैं, स्वतंत्र हैं सपने देखने में। बट आप लोग किस, आप कांग्रेस क्यों, मतलब कांग्रेस के अंदर किस बात को लेकर उत्साह है, कैसे कॉन्फिडेंस है कि इस ओवरकिल का, इस बीजेपी की जो कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको आप लोग मात दे पाएंगे? देखिए आज जो 10 साल में हुआ है, आज अगर ट्रैक्टर, कितने ट्रैक्टर थे लोगों के पास 10 साल पहले, कितनी गाड़ियाँ थी, कितने फोर व्हीलर थे, कितने टू व्हीलर थे, आज ये सब दिख रहा है। आज ये बढ़ते हुए बाजार, ये बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधि, ये सब लोगों के सामने है। अच्छा मैंने एक चीज़ नोटिस किया सर, आप जो कैंपेन करते हैं यहाँ पे, आप इस बार जो है आप शिवराज सरकार की नाकामियों को हाईलाइट कर रहे हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी, आप मोदी के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? ये तो लोकसभा का चुनाव है। देखिए बात यह है, आम लोग परेशान हैं स्थानीय मुद्दों से, आम लोग परेशान हैं राज्य सरकार से, तो वही बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है हम सरकार बनाएंगे केंद्र में, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ लोगों का कि पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल देख लीजिए कि कैसे, क्या भ्रष्ट, कैसा भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई शासकीय कार्यालय नहीं जहाँ बिना पैसे दिए हुए काम हो सकता है, इस प्रकार की चीजें हैं। सर मोदी को कैसे आप आंक रहे हैं, कितना मार्क्स दे रहे हैं, कैसे आंकलन कर रहे हैं आप और कांग्रेस के लोग? आप कांग्रेस में आज की तारीख में हम कहें तो यू आर द टॉलेस्ट लीडर, अगर एक तरह से कहा जाए, हाउ आर यू एनालाइजिंग, हाउ आर यू असेसिंग हिम? जिस तरह से बीजेपी में जो माहौल अभी है, अंतरकलह का पूरा माहौल है, इट्स ऑलमोस्ट वन मैन वर्सेस द एंटायर पार्टी, हाउ आर यू असेसिंग? देखिए ये उन बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, वो अपने आप तय करें कैसे चलानी है अपनी पार्टी, कैसे चलानी है अपनी राजनीति, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। पर ये जो आज माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार बन गई, ये सब हो गया, ये मैं सोचता हूँ इसमें कोई वजन नहीं है। बट मोदी पे तो टिप्पणी करें सर, मोदी पे कैसे, ही इज पीएम इन वेटिंग। वो होंगे पीएम इन वेटिंग, सभी कह सकते हैं हम पीएम इन वेटिंग हैं, वो उनकी मर्जी, पीएम इन वेटिंग हो या पीएम वॉज वेटिंग। राहुल गांधी से कैसे इक्वेशन, वो ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आज आप एक वरिष्ठ नेता हैं, एक जैसे मैंने आपको कहा एक टॉलेस्ट फिगर है, कई सालों का अनुभव है, इनफैक्ट 34 years, आई थिंक दिस इज योर 10th, यस वन, योर वाइफ वन, वी कैन काउंट दैट, तो करेंगे तो हम कहेंगे 10वीं बार के आप एमपी हैं, विच इज नॉट अ जोक इन एनी वर्ड, इन एनी टर्म्स। तो हाउ आर यू इक्वेशंस विद राहुल गांधी, बिकॉज ही इज अ यंग के साथ आपका कैसे आप तालमेल बिठा रहे हैं, आप भी यंग हो जा रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा तालमेल है और बहुत मधुर संबंध है, वो मुझे तो मेरी इच्छा है कि राहुल गांधी स्वीकार करें और प्रधानमंत्री बने। डू यू थिंक राहुल गांधी इफ ही वुड हैव बीन अ मिनिस्टर इन योर यूपीए गवर्नमेंट और हेल्ड सम पोर्टफोलियो सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एंड उससे ज्यादा कि अगर उनको आप लोग ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते, क्या वो कांग्रेस को मदद करता? ये तो अब बीती हुई बात है, अब तो भविष्य में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जाते जाते सर कितना, क्या आंकलन कर रहे हैं इस चुनाव में, क्या रहेगा? ये कोई शक नहीं कि कांग्रेस की फिर से सरकार बनने जा रही है, ये बीजेपी का सपना ठप होगा जी। और ये कोई शक नहीं ये ठप होने जा रहा है जी। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, जो जिनसे हमने छिंदवाड़ा के चुनावी जो माहौल है उस पर बातचीत की, केंद्र में जिस तरह का माहौल है हमने उस पर बातचीत की। कमलनाथ जी का दावा है कि केंद्र में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और बीजेपी जो है वो एक सपनों की दुनिया में जी रही है और आगे भी जीते रहेगी। छिंदवाड़ा से कैमरामैन नरेश के साथ मुक्ता पाठक। चलिए तो देश भर में आज के लिए इतना ही, लेकिन जिया न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए जिया न्यूज़।